हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मेडिकल एंट्रेंस में डिजिट्रिक्स में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका के नाम है हाइब्रिडाइजेशन। आज हम लोग कुछ ऐसी चीजें देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जिसकी वजह से हम लोग न सिर्फ केवल क्वेश्चन को सही सॉल्व करेंगे एग्जाम में, बल्कि उसको मिनिमम से मिनिमम कुछ सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले आपको 10 से 12 सेकंड की एक जरा एक छोटी सी चीज देखनी है, जो कि आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। देखो, मैं जरा अभी आपको बता देता हूँ, समझ में अभी नहीं आएगी, लेकिन अभी 10 सेकंड के बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये सब कुछ कहीं भी अगर किसी भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो आपको उसको वन काउंट करना है, अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो वन काउंट करना है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो वन काउंट करना है, और अगर लोन पेयर आ रहा है तो उसको भी वन काउंट करना है। इसका अब एप्लीकेशन क्या है ये देखते हैं। इसका लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं, 2018 नीट का क्वेश्चन है, उसमें CLF3 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है। अब CLF3 इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अब देखो, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी सेंट्रल एटम है उसको आपको ड्रॉ करना है, और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको उसके चारों तरफ लगा देने हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं इलेक्ट्रॉन 7। ठीक है, तो आपने इसको ड्रॉ कर लिया, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो, फ्लोरीन है, फ्लोरीन सबको मालूम है कि सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन से ये फ्लोरीन अटैच हो गया, ये हो गया, और तीन इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे तीन सिंगल बॉन्ड के साथ फ्लोरीन अटैच हो गया। अब देखो, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो इनमें से 2 लोन पेयर बन जाएंगे इन 4 इलेक्ट्रॉन के। तो अब देखो, इसके पास टोटल क्या चीजें थी, 3 तो सिंगल बॉन्ड थे और 2 लोन पेयर है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि एक सिंगल बॉन्ड को एक काउंट करना है और एक लोन पेयर को एक काउंट करना है, तो मतलब टोटल इसके पास 5 चीजें हो गई। अब उनको आपको बस सम ऐड कर देना है, बस और भी कुछ नहीं है। जितने भी उसके पास स्ट्रक्चर थी, जो भी उसके पास बॉन्ड थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लोन पेयर, उनको आपको काउंट करके उनका ऐड करके रख देना है। तो इसका एडिशन आया टोटल 5। अब आपको इस टेबल पे पहुंचना है, बस उसमें कुछ नहीं है। दो ऐसे जो भी ऑर्बिटल होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में अपने, sp2, ये तो इनको बस एडिशन है। ऐसे इस एग्जांपल में एक ऐसा ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, तो एडिशन निकल के आया इन दोनों का 2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। ठीक है, अगर किसी का एडिशन 2 निकल के आता है, जैसे कि यहाँ थे 5 है, 5 एडिशन निकल के आया इनका, तो 5 में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। आपको बस एक एक इधर काउंट बढ़ता जाएगा, इधर एक एक ऑर्बिटल बढ़ाते जाओगे, sp हुआ, फिर sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। जैसे कि sp3d2 की बात करूँ तो टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, एक s है, 3 p हैं और 2 d हैं, तो टोटल एडिशन किया है तो ये निकल के आ गया 6। तो ये एडिशन ये बताता है। तो बस इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप 5-7 एग्जांपल कर लोगे, उसके बाद आपको कहीं भी टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल लेता हूं, चलो इसे 2-3 एग्जांपल करवा देता हूं, जिससे आपको एक लॉजिक भी डेवलप हो जाएगा और किस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, क्या अप्रोच रहेगी, हम वो भी आप समझ लोगे। तो देखो, एक कर्नाटक 2013 नीट का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि किस ऑप्शन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है दोनों कंपाउंड का। तो ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है SiF4 और BeS2। अब देखो, BeH2 की मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, Be के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 2 के दोनों मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिए। अब देखो, हाइड्रोजन है वो एक एक बॉन्ड के साथ ही जुड़ेगा। अब इसके पास क्या था, केवल 2 सिंगल बॉन्ड थे, 2 सिंगल बॉन्ड का मतलब है sp हाइब्रिडाइजेशन। उसने पूछा है किसकी sp3 होगी, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर दोगे, आप दूसरा ऑप्शन देखोगे भी नहीं, क्योंकि अगर इसका नहीं है तो दूसरा, तो अगर होगा भी तब भी वो ऑप्शन नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपको पेन भी नहीं उठाना है, बस आपको ये देखना है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और इलेक्ट्रॉन कितने हैं और वो किसके साथ कितने बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि मैंने बात करी H2O की, H2O ले लिया मैंने, H2O है ये। ठीक है, अब H2O देखो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे 6, 2, 3, 4, 5 और 6। हाइड्रोजन देखो, सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हो गया है। ठीक है, तो बच गए कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 2 लोन पेयर। अब आप सबको काउंट कर लो, 2 सिंगल बॉन्ड हैं और 2 लोन पेयर हैं, मतलब कि टोटल 4। 4 का मतलब क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बस और कुछ भी नहीं करना है आपको इस ऐसे क्वेश्चन में, सिर्फ उसके जो भी सेंट्रल एटम है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो काउंट करने हैं, जो भी साइड वाला कंपाउंड वो एलिमेंट है वो कितने बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद बस उनका एडिशन कर देना है। एडिशन करने के बाद जो भी निकल के आए उतने ही वो ही ऑर्बिटल या वही उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, कोई सा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, 2010 में आया था ये क्वेश्चन, इसने पूछा है कि इसमें से किस पेयर में दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब देखो आप,
ऐसे मैंने बी एफ थ्री बोलूँ, बी एफ थ्री, बी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तीन, ठीक है। अब तीन के तीनों उसने फ्लोरीन के साथ जोड़ लिए, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। अब तीन सिंगल बॉन्ड हो गए, मतलब तीन पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आता है? एसपी टू। तो मतलब कि ये तो सही है, ये एसपी टू है। तो इस तरीके से आप, अगर पहला ऑप्शन एसपी टू है, इधर मैं बात करूंगा नाइट्रोजन अमोनिया की, तो अमोनिया का जरा आप देख लो, NH3। अमोनिया का क्या है कि हर बार कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिल ही जाता है आपको अमोनिया NH3। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है कितने? तीन, चार और पाँच। तीन तो भैया इसने बना लिया हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और एक इसका निकल गया ये लोन पेयर। तो एक दो तीन चार, चार एडिशन आया, चार एडिशन मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन इसका निकलेगा sp3। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। अगर आपको फिर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए उस चीज़ को, मुझे जब भी टाइम मिलेगा, मैं जब भी फ्री होऊंगा तो आपका, आपकी क्वेरी का जरूर आंसर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।